अच्छा जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो एरर आ रहा है, ये कोड देख के मैं बता सकता हूँ, पूरा ऐसे तो नहीं बता सकता। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं जरा मल्टी आउटपुट मॉडल्स को। मल्टी आउटपुट मॉडल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर आपका आउटपुट मल्टीपल हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स हो। फॉर एग्जांपल मल्टीपल टाइप्स का डेटा हो, लाइक टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, तो मल्टीपल तरह का डेटा हो, तो हम उसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। एक एग्जांपल दी हुई है, आपकी बुक से ही ली गई है, कि आपके पास एक सोशल मीडिया पोस्ट कोई बंदा करता है, उसकी बेस के ऊपर आपने प्रेडिक्ट करना है कि उस बंदे की एज क्या है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जेंडर क्या है, जो कि एक कैटेगोरिकल वैल्यू है, मेल या फीमेल, बाइनरी क्लासिफिकेशन लगनी चाहिए। और इनकम लेवल, ये भी हम कैटेगरीज की फॉर्म में कि हाई इनकम है, लो इनकम है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उसको इम्पोर्ट कराया हमने, मॉडल को इम्पोर्ट कराया, वोकेबलरी साइज सेट किया 50,000, नंबर ऑफ इनकम ग्रुप्स 10 कैटेगरीज बनाई हैं हमने। सबसे पहले हमने टैक्स को प्रोसेस कराया, इनपुट लिया हमने, इनपुट लेयर लिया और उसको एम्बेडिंग के साथ लगा दिया हमने। एंड देन हमने पढ़ा था कि हम जो है सीक्वेंस डेटा या टेक्सचुअल डेटा को कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से भी प्रोसेस करा सकते हैं। तो हमने कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के कॉम्बिनेशंस लगा के और आखिर में डेंस लगा दिया हमने, तो ये फीचर्स निकल आएंगे इसकी बेस के ऊपर। यहाँ तक कि हमने जो है ये पूरा जो है हमने प्रोसेसिंग करी है इनपुट लेयर की बेस के ऊपर। एक लेयर को पिछली लेयर से कनेक्ट करने के लिए हमने जो है एक्स पास किया है ब्रैकेट के अंदर। अब हमने इसके बाद क्या किया, डेंस लगा के डेंस के ब्रैकेट में हमने एक्स पास कर दिया, तो एज प्रिडिक्शन हो गई। डेंस में हमने 1 लिया क्योंकि हम रिग्रेशन की प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, और रिग्रेशन की क्योंकि हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर डेंस लगाया हमने, यहाँ पे हम सॉफ्टमैक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। और फिर डेंस लगाया, हम जेंडर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ तक के तो वही काम है जो हम करते आए हैं, सिवाय हमने ये किया है कि जो इनपुट लेयर थी हमारी उसको हमने कॉन्वोल्यूशन से गुजारा, और कॉन्वोल्यूशन के आगे हमने जो है डिफरेंट डेंस लेयर्स लगाई हैं, एक क्लासिफिकेशन के लिए, एक रिग्रेशन के लिए और एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट पास कर दिया और आउटपुट हमारे 3 होंगे तो हमने आउटपुट पास कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल आउटपुट्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ तक के तो आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमने जो है इनपुट लिया, इनपुट को जो है कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगा दी उसके आगे। जब ये फीचर्स निकल आएंगे उसकी बेस पे हमने एक डांस लगाया है, एक डांस के साथ लगाया है हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए और एक रिग्रेशन के लिए। यहाँ तक जो बात वेरी मच क्लियर। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, एक दफा मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इनपुट लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, शेप इज इक्वल टू नन दिया हमने, वो हम चाहते हैं टेंसर फ्लो खुद ही डिटरमिन करे शेप। लेयर का नाम भी रख दिया हमने पोस्ट, ठीक है। फिर हमने एम्बेडिंग लगाई, एम्बेडिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ,
ये ऑटोमेटिकली जो है लर्न करता है उसके वेक्टर्स को कि टेक्स्ट डेटा को जो है कौन सा वेक्टर देना है। फिर हमने कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पोलिंग के कॉम्बिनेशंस लगाए, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस लगाए। हर लेयर को पिछली लेयर से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, पिछली लेयर का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आप ब्रैकेट में पास करेंगे, और फिर इसको नया नाम दे दें या वही नाम दे दें, क्योंकि हमने इसको बाद में तो यूज़ नहीं करना, तो इसको रीनेम कर दिया हमने। नया नाम देने के बजाय उसी नेम से हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमने डेंस लगाया, डेंस में हमने जो पिछली लेयर थी जो हमने कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स लगाई थी वही पास कर दी, तो ये एज की प्रेडिक्शन कर रहा है। वन हमने इस वजह से रखा क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, एक ही नोड काफ़ी है, यहाँ पे मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन है, तो एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स है और नोड्स हमने उतनी रखनी है जितने क्लासेस हैं। नेम दे दिया हमने लेयर को इनकम, और उसको पिछली लेयर से कनेक्ट करने का तरीका है एक्स पास कर दिया। पिछली लेयर से मुराद है जो कि हमारी इनपुट लेयर प्रोसेस होके आ रही है कॉन्वोल्यूशन से, उसी को ही हमने ब्रैकेट में पास कर दिया। फिर हमने जो है डेंस लगाया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, तो इस तरीके से हमने मल्टी आउटपुट मॉडल्स बना दिए। तो एक 1D कॉन्वनेट से प्रोसेस करने के बाद हमने 3 डेंस लगाई हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक मसला है, वो मसला क्या है, हमारे पास एक आउटपुट तो नहीं है ना, तो हमने जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट काम करेगा उसको एरर चाहिए या लॉस चाहिए, एरर कह लें या लॉस कह लें, उसकी बेस पे वो क्या करता है डेरिवेटिव निकाल के वेट्स को अपडेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं तो मल्टीपल लॉसेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेल की जगह पे फीमेल प्रेडिक्ट कर रहा है तो एरर आ रहा है, एक यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगेगा। इसी तरीके से रिग्रेशन है, यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर लगेगा, और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, इनकम लेवल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा हमें, एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, और ऐड करने का तरीका ये, आप जो है इनको स्पेसिफाई कर दें लॉस को इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल मॉडल डॉट कंपाइल करा, आपने लॉस दे दिया MSE, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, तो ये 1-to-1 मैप कर देगा उन क्लासेस के साथ, उन लेयर्स के साथ जो कि आपने स्पेसिफाई की हुई है सीक्वेंस में। या आप एक डिक्शनरी भी बता सकते हैं जिसमें नेम ऑफ द लेयर और कौन सा लॉस स्पेसिफाई करें, ये ऑटोमेटिकली सबको ऐड कर देगा और फाइनल लॉस बना देगा। तो मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स के अंदर हमें लॉस भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है जनाब। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, लॉसेस जो हैं उनके स्केल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है मीन स्क्वायर एरर, एरर जो है मीन स्क्वायर एरर बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है मकान की कीमत थी 1 लाख, आपने 1,05,000 प्रेडिक्ट करी, 5,000 का लॉस है, लेकिन ये इतना बड़ा लॉस नहीं है परसेंटेज वाइज देखा जाए। लेकिन अगर मेल की जगह फीमेल बता दिया ये तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन जो रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर है ना, वो वैल्यू से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा लॉस है, और मेल टू फीमेल जब आप इस पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी निकालोगे तो ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, ये इतना बड़ा लॉस नहीं लग रहा। तो कुछ लॉस जिनकी वैल्यूज तो छोटी होती हैं लेकिन उनका मतलब बड़ा होता है, और कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज बड़ी होती हैं मतलब छोटा होता है। तो हमें बताना होगा हमारे लिए कौन सा लॉस जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम है, तो हम वेट्स दे सकते हैं लॉस के लिए। तो लॉस वेट्स हम अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मीन स्क्वायर एरर को इतने प्रेडिक्शन इतना वेटेज नहीं देना, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को ज़्यादा वेटेज देना है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को कम वेटेज देना है। तो ये वेट्स दे के भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं वेट्स की मदद से, ठीक है जनाब।
मॉडल को कंपाइल करते हुए हमें लॉस देना पड़ेगा और वेट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगेन हम स्पेसिफिकेशन देते हुए हम लिस्ट भी दे सकते हैं और हम डिक्शनरी भी दे सकते हैं। फिर मॉडल को फिट करा दिया, फिट कराते हुए आपने इनपुट बताना है और आउटपुट बताना है। इनपुट हमारी पोस्ट है और आउटपुट हमारा जो कि तीन आउटपुट्स होंगे हमारे, एज बताना होगा हमने ट्रेनिंग देते हुए, ट्रेनिंग देते हुए हमें बताना होगा जिस बंदे ने ये पोस्ट की है उसकी एज ये है, उसका इनकम लेवल ये है और जेंडर ये है। तो ट्रेनिंग डेटा में तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, हम बताएंगे मशीन को, मशीन लर्न कर लेगा, फिर फ्यूचर में किसी पोस्ट के बारे में बताएगा, एज इनकम लेवल और जेंडर की प्रेडिक्शन करेगा। बिलाल तहसीन का सवाल है, अगर मॉडल को डेटा देते हुए डेटा की लेंथ सेम ना हो, तो डेटा की लेंथ सेम ना हो तो हम पैडिंग करते हैं ना बेटा, टेक्स्ट अगर डेटा सेम ना हो तो हमें पैडिंग करनी पड़ती है, डेटा हमेशा सेम लेंथ का देंगे। ठीक है जनाब, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स फंक्शनल एपीआई के थ्रू ना सिर्फ ये कि आप मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के मॉडल्स बना सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी भी रख सकते हैं अपने नेटवर्क की। ठीक है, बस ये आखिरी टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, फिर हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दो मशहूर मॉडल्स हैं, इंसेप्शन मॉड्यूल्स और रेजिडुअल कनेक्शन, ये वैसे हम थोड़ा सा देख चुके हैं लेकिन अब हम इसको बना के भी देखेंगे बनेगा कैसे। इंसेप्शन मॉड्यूल के बारे में जैसे मैंने बात की आपसे, उसमें पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, 1/1 कन्वोल्यूशन होती है, 3/3 कन्वोल्यूशन होती है और उसको फिर कंकैटिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये है 1/1 कॉन्वोल्यूशन जिसमें स्ट्राइड 2 रखा, 1/1 कॉन्वोल्यूशन और उसके ऊपर हमने 3/3 लगाया, 3/3 उसके ऊपर फिर 3/3 का लगाया, स्ट्राइड डिफरेंट है और फिर 1/1 3/3 और फिर 3/3 स्ट्राइड 2 रखा है और फिर इनको कंकेटिनेट किया। तो एक ही इनपुट पे डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के कॉन्वोल्यूशंस अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट तरह के फीचर्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कॉन्वोल्यूशन का साइज जो है 1/1 भी है बाज जगहों पे, इसका क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये इमेज है आपके पास, ठीक है, अब इस पॉइंट पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना है, अब अगर कॉन्वोल्यूशन 3/3 का है तो आप ये वाली वैल्यू, 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 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और डायगोनल की वैल्यूज को मिला के आप ये वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो इसका रिसेप्टिव फील्ड क्या है इसकी, किन कहाँ तक के इसका इन्फ्लुएंस है, अपने इसका जो रिसेप्टिव फील्ड है वो इसके सराउंडिंग के पिक्सल्स हैं। अगर 5/5 का लेंगे तो ये ऊपर के ऊपर को भी लेगा, लेफ्ट के लेफ्ट को भी लेगा, राइट के राइट को भी लेगा, बॉटम के बॉटम को भी लेगा और डायगनल पे भी जाएगा, तो इसकी रिसेप्टिव फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने इसको कहते हैं हम, ये अपने पिक्सल्स, अपने बराबर के पिक्सल्स की बेस पे जो है फीचर्स निकाल रहा है, स्पेशल फीचर्स निकाल रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल, SPATIAL, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस से मुराद जो है यहाँ पे एक्स वाई पोजिशन है। ठीक है जनाब, स्पेशल फीचर्स, लेकिन 1/1 में तो स्पेशल फीचर निकल ही नहीं सकता,
क्योंकि ये तो अपने आगे पीछे देख ही नहीं रहा, ये सिर्फ इसी पिक्सल को देख रहा है, तो फिर वन बाय वन का फायदा क्या है? ये बात समझ में आ रही है ना? वन बाय वन जो है स्पेशल फीचर्स तो नहीं निकाल सकता, तो फिर वन बाय वन का फायदा क्या है? वन बाय वन का फायदा समझने के लिए हम जरा अपने पिछले लेक्चर्स की तरफ चलते हैं, जो हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में पढ़ा था हमने। अगर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बनाते हुए देखें तो हम दो चीजें बताते हैं। पहली चीज जो बताते हैं हम, फिल्टर का साइज 3x3 का, 4x5x5 का, और दूसरी चीज बताते हैं हम नंबर ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, तो ये इनपुट जो है 28x28 है बाय वन। जब इस पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगा तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा? 26x26। लेकिन इसके चैनल्स बढ़ जाएंगे, ये 26x26x32 का हो जाएगा। अगर आप देखें ये 26x26x32 का हो जाएगा, यहाँ पे देखें। फिर उसके बाद जब ये 64 फिल्टर्स लगेंगे तो ये बाय 64 हो जाएगा। यानी इनपुट, अगर जो भी साइज है इनपुट का, ये इनपुट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके इसका साइज एक्स और वाई में तो छोटा होगा, लेकिन इसके चैनल्स जो है, ये जो डेप्थ कहला रही है आउटपुट डेप्थ, ये वेरी कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपका इमेज का साइज तो चेंज नहीं हो रहा, विड्थ और हाइट तो चेंज नहीं हो रही, वही रह रही है, लेकिन फिल्टर्स जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, तो अक्रॉस द चैनल फीचर्स निकल रहे होंगे। ठीक है, स्पेशल फीचर्स तो नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन चैनल की बेस पे फीचर्स निकल रहे होंगे। इट वॉन्ट मेक्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस स्पेस, इस बात को नोट करें कि ये इंफॉर्मेशन अक्रॉस स्पेस, यानी क्योंकि आपने सराउंडिंग के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के पिक्सल्स तो नहीं देख रहा ना, लेकिन चैनल्स कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 64 चैनल से, 64 से जो है 32 चैनल रह गए, तो वो जो 64 की जो इन्फॉर्मेशन थी वो 32 चैनल में आ जाएगी। तो वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन में हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर सकते हैं, चैनल का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन। तो चैनल वाइज फीचर लर्निंग और स्पेस वाइज फीचर लर्निंग की फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये अब जरा हम देख लेते हैं कि हम ये बनाएंगे कैसे। इस आर्किटेक्चर को हम अगर बनाना चाहें, इस आर्किटेक्चर को कीरास के ऊपर बनाना चाहें, तो एक लेयर होगी जो कि एज इट इज पास हो जाएगी, एक लेयर होगी जो कि जिसपे कॉन्फ 2D लग जाएगा, इनपुट के ऊपर कॉन्फ 2D और फिर कॉन्फ 2D, फिर एक लेयर होगी जिसपे एवरेज बूलिंग और कॉन्फ 2D, फिर एक लेयर होगी जिसपे कॉन्फ 2D, फिर कॉन्फ 2D और फिर कॉन्फ 2D लगेगा। तो इसको जरा हम देखते हैं किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो पहली ब्रांच जो है जिसमें इनपुट के ऊपर डायरेक्ट कॉन्फ 2D लगा दिया, दूसरी ब्रांच है जिसमें कॉन्फ 2D लगाया और फिर कॉन्फ 2D लगाया,